हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स का ये पार्ट 20 है। आज हम यहाँ पे देखें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और आप चाहते हैं कि आपको इसके पहले के भी वीडियोस मिलें तो यहाँ कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, उस पर जा करके आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, जानते हैं क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी। पहला क्वेश्चन है कि अपोलो टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो ये हाल ही में अपोलो टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, बस इतना थोड़ा सा था कि सचिन तेंदुलकर को देखा जाता है कि मतलब अगर आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे MRF के बहुत दिन तक सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर थे। तो अब MRF के नहीं बल्कि अपोलो टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। अगला सवाल है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार रोजगार दर प्रतिभा गुणवत्ता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो अभी हाल ही में एक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार अगर एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, टैलेंट क्वालिटी की बात करें, तो जो आंध्र प्रदेश देश है ये नंबर वन प्रदेश है इंडिया में। तो ये चौथा इसका ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप पता करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि इनमें से किस वस्तु की पैकिंग के लिए केंद्र सरकार ने जूट के बैग का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने भी हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है अनाज या जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स, चीनी, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन ही सही होगा कि जो जूट के बैग हैं वो चाहे अनाज हों, मतलब कोई भी फूड ग्रेन्स होंगे, जितने भी तरह के फूड ग्रेन्स हैं सब की पैकिंग के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% है कि आपको 100% जो पैकेजिंग करनी है वो जूट के बैग में ही करनी है। अगर मैं बात करूं शुगर की तो यहाँ पे 20% है कि 20% शुगर की पैकिंग आपको जूट बैग में करनी है। पहले भी यहाँ पे 20% ही था, यहाँ पे अनाज के लिए पहले 90% था जिसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। अगर सवाल आए कि फूड पैकेजिंग के या फिर जो पैकेजिंग है किसकी पैकेजिंग के लिए 100% जूट बैग का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो गया है, तो आप कहेंगे अनाज, तब वहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। लेकिन जब कहेंगे अनिवार्य हो गया है तो हमें कुछ दिया नहीं गया है, तो चीनी और अनाज दोनों के लिए अनिवार्य है, बस परसेंटेज का यहाँ पे डिफरेंस है। और ये जो फैसला है किसने लिया है, तो ये लिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में CCEA कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता या फिर जिसको चेयर करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है कि इनमें से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के तहत एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त किया है। इंग्लिश में याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अभी जिसकी पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, UNEP, जिसके अध्यक्ष को बदला गया है, तो उसी के तहत दिया जाता है ये अवार्ड, एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड। ये किस देश को दिया गया, या फिर अगर किस देश को दिया गया है तो आप कहेंगे भारत को दिया गया है। वैसे भारत में ये किसको दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत में किस एजेंसी को मिला है, तो इस एजेंसी को हम कहते हैं शॉर्ट में WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये एक भारतीय एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और इसके जो ऑफिसर हैं RS शरथ, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अगर देखना है तो ये लिखा हुआ है कि WCCB क्या है, और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। तो बहुत अच्छा इसने काम किया है इस क्षेत्र में, तो इसलिए इस बार का पुरस्कार इसको दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, हर साल तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसकी शुरुआत 2015 में हुई है, मतलब पहले नहीं मनाया जाता था लेकिन 2015 से इसको मनाया जाने लगा है, संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर के तैयार हो गया था, कुछ हद तक थोड़ा बहुत लागू हुआ था, और उसके बाद पूरी तरीके से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला सवाल है, किस महिला बॉक्सर ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप 2018 का खिताब अपने नाम किया है। तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, इंडिया में ही हुई थी, आपको पता होगा। तो इसमें जो गोल्ड मेडल है या फिर इस खिताब को जिसने जीता है उनका नाम क्या है, MC मैरीकॉम। आप सबको पता ही होगा, भारत की हैं MC मैरीकॉम, महिला मुक्केबाज हैं, और इन्होंने छठी बार ये पुरस्कार या फिर कह सकते हैं ये चैंपियनशिप जीता है। तो और ऐसा करने वाली वो पहली महिला भी बनी है, बहुत कह सकते हैं एक तरह से हिस्ट्री इन्होंने बनाई है।
और यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा आसान सा था, यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको हराया फाइनल में। ज़्यादातर लोग पढ़ेंगे एमसी मैरीकॉम जीती हैं, लेकिन किसको हराया ये बहुत कम लोग पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने हराया है हैना ओखुटा को, जो कि यूक्रेन की बॉक्सर थी। फाइनल में इन्होंने इनको हराया। अगला सवाल है कि आभूषण के क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस देश की सरकार घरेलू स्वर्ण परिषद स्थापित करने जा रही है? तो डोमेस्टिक गोल्ड काउंसिल स्टैब्लिश करने का जो ये निर्णय है, ये भारत की सरकार ने ही लिया है। तो पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा, किस देश ने लिया है? भारत की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब डोमेस्टिक गोल्ड काउंसिल यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। किस लिए? ताकि जो ज्वेलरी का सेक्टर, उसमें ग्रोथ लाई जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके अच्छे तरीके से। और ये किसने बताई बात? तो ये बताई हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, इन्होंने ये बात बताई। अगला सवाल है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI द्वारा खराब एवं अनियमित सेवाओं हेतु कहाँ के सात हवाई अड्डों के उड़ान लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया है? तो ये जो हवाई अड्डा है ये है एयर ओडिशा। इसके जो खराब परफॉर्मेंस है, इसको लेकर के इसके सात हवाई अड्डों के लाइसेंस के उड़ान को रद्द कर दिया गया है। आप इस न्यूज़ को याद रखिएगा, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक नाम आप याद रखिएगा कि एयर ओडिशा यहाँ पे है। अगला सवाल है कि कुंज कला तपस्वी पुरस्कार जीवन काल उपलब्धि है तो इनमें से किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है AN पाटिल को। पहला वाला ऑप्शन इसमें से सही है। अगला सवाल है कि उबर ईट्स ने भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जो इस तरह की कैब सर्विसेज हैं, जैसे उबर हो गई, ओला हो गई, तो ये अपना एक नया प्रोडक्ट इसी में ऐड कर रही हैं। ईट्स जैसे ओला का है कि अब फूड डिलीवरी भी आप मंगा सकते हैं, ओला के थ्रू फूड डिलीवरी करवा सकते हैं, वैसे उबर ईट्स भी है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसको, वो कौन है? तो वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को बनाया गया भारत का ब्रांड एम्बेसडर उबर ईट्स का। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको हम शॉर्ट में ICC जानते हैं नाम से, कि इसके द्वारा ICC वर्ल्ड T20 का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो वर्ल्ड T20 का नाम बदल करके रखा गया है T20 वर्ल्ड कप, या फिर हिंदी में कहें तो T20 विश्व कप इसका नाम अब हो गया। पहले वर्ल्ड T20 था, अब इसका नाम T20 वर्ल्ड कप रख दिया गया है। तो अभी ये T20 का जो वर्ल्ड कप है, ये होने वाला है, कब होने वाला है? ये होने वाला है 2020 में। और कहाँ पे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। किसका? पुरुषों का। और महिलाओं का जो T20 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा? वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, वो 2020 में होगा। तो दोनों के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही यहाँ पे होने वाले हैं। अगला सवाल है कि वह कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसे T10 लीग के इतिहास में पहली हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी के रूप नाम से जाना जाता है? तो T10 लीग, T20 की तर्ज पे अब T10 लीग भी आ रही है, धीरे धीरे फॉर्मेट छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो इसमें कौन से वो भारतीय हैं जिन्होंने पहली हैट्रिक ली है? तो उनका नाम है, कौन है ये? प्रवीण तांबे। तो इन्होंने हैट्रिक ली है T10 लीग में। अगला सवाल है, इनमें से किस बैंक को RTI CVC एवं राज्य विधानसभा के दायरे में लाया गया? तो ये कौन सा बैंक है, अभी इसी के बारे में बात हो रही थी, पिछले वीडियो मैंने बात करी थी। ये है J&K बैंक। J&K बैंक को पब्लिक सेक्टर का बैंक, अब यहाँ पे जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उस तरह से, अब इसको भी RTI CVC और राज्य विधानसभा के दायरे में ला दिया गया है। इसका विरोध भी हो रहा है। अगला सवाल है कि विश्व COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 21 नवंबर को। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध लेखक हिमांशु जोशी का निधन हो गया है, वह किस भाषा के लेखक थे? तो हिमांशु जोशी का निधन हो गया कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, तो ये आप याद रखिए। फिर ये भी याद रखिए, हिमांशु जोशी हैं क्या? वो लेखक थे। अगला सवाल है कि 77 वर्षीय बिश्नप पारिदा का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बिश्नप पारिदा जो थे वो एक राजनीतिज्ञ थे, तो वो राजनीति से संबंधित थे, राज्यसभा के सांसद भी थे, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन सी पार्टी के थे पूछा जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये तो डीप में हो जाएगा, BJD के थे सांसद। अगला सवाल है, भारतीय मूल के इमरत खां का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भारतीय मूल के थे उस्ताद इमरत खां। उस्ताद वाला शब्द मैंने उड़ा दिया क्योंकि उससे पता चल जाता है ये कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं। तो ये थे भारतीय शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही, संगीत से रिलेटेड थे, या फिर कहा जाए अगर ज़्यादा स्पेसिफिक होते हुए तो शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला सवाल है कि श्री MH अम्बरीश का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से थे? तो अभी आपको पता होगा बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है, ये अभिनेता एवं एक्टर थे, तो एक्टर एंड लीडर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है।
अगला सवाल है कि किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का 33 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बहुत दुखद न्यूज है कि 33 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका नाम था संदीप माइकल। फर्स्ट ऑल ऑप्शन ही सही है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला सवाल है, इनमें से किस भारतीय अभिनेता को सयाजी रत्न पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। तो सयाजी रत्न पुरस्कार 2018 का दिया गया है अमिताभ बच्चन को। पहला वाला ऑप्शन इसमें से सही है। ओके, तो काफ़ी ये कह सकते हैं वन लाइनर, इस तरह के ये आपके करंट अफेयर्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, करतारपुर पंजाब के किस जिले में स्थित है जिसके लिए केंद्र सरकार ने कॉरिडोर की मंजूरी दी है। आपको पता होगा करतारपुर कॉरिडोर अभी हाल ही में कितना ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये पंजाब के किस जिले में है, तो ये पंजाब के नरोवल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है, जिसके लिए कॉरिडोर की मंजूरी दी है भारत सरकार ने। और ये पड़ता कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब है उसकी बात हो रही है, भारत वाले की नहीं। नरोवल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है करतारपुर। अगला सवाल है यहाँ पे कि इनमें से किसे यूनिसेफ का सबसे युवा गुडविल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो यूनिसेफ के यंगेस्ट, ध्यान रखिए गुडविल एम्बेसडर के साथ साथ ये यंगेस्ट हैं, कौन हैं ये हैं एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन, जिनको चुना गया है यूनिसेफ के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। ये सबसे युवा हैं, यंगेस्ट हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपको आज के करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। बहुत सारी न्यूज़ें थी यहाँ पे, मैंने आपको बताने का प्रयास किया अपनी तरफ से, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत थी नहीं। जैसे यूनिसेफ की बात करूँ तो इसके बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है। फुल फॉर्म इसकी क्या आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से बता रखी हैं, तो इसलिए फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जो पहले की वीडियोज़ हैं वो भी आप देख करके रखिए, क्योंकि इस तरह की जो स्टैटिक वाली चीज़ें हैं मैंने वहाँ पे बता रखी हैं, तो बार बार उसको रिपीट नहीं करता हूँ। काफ़ी दिन हो जाएगा तो हो सकता है फिर से रिपीट करूँ मैं, लेकिन जैसे कल बताया फिर आज बताने का कोई मतलब होता नहीं, इसलिए रिपीट नहीं होती हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और आपके साथ साथ औरों का भी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर नॉलेज है वो बढ़ सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।